Hello friends, welcome to all on Educo Gravity Study Channel. I hope you all doing well and your studies are also going well. So friend, आज का हमारा study का topic है What is प्रधान मंत्री schools for rising India? In short PM श्री program क्या है? ये जो program है आपका Ministry of Education है, fully sponsored है, central sponsored scheme है, यानी कि जो इसका पूरा खर्चा है वो आपका central government उठाएगा, उसी को हम detail में समझेंगे। तो ये अभी जो आपका ये प्रधान मंत्री school for rising India है, in short PM श्री program जो है launch हुआ था 7th of September 2022 में, ओके? तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये अभी इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि पंजाब, दिल्ली और वेस्ट बंगाल जो है इस प्रोग्राम को अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया, यानी कि वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते इस प्रोग्राम को लेके अपने एजुकेशन सिस्टम में। तो जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने जो आपका इस प्रोग्राम का जो फंडिंग का पैसा था उसको रोक दिया है। ऑब्वियसली अगर वो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है कि हमें उस फंड को उनको देने का कोई फायदा नहीं है, ओके। तो जो अगर वो उनका दूसरा फंड होगा स्टेट का, कोई उनका दूसरा प्रोग्राम होगा तो गवर्नमेंट उसमें उनकी हेल्प करेगी, लेकिन उन्होंने इस प्रोग्राम को अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका जो फंडिंग है उसको रोक दिया है। तो इसी को हम डिटेल में समझेंगे कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया कब बना था, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्पॉन्सरशिप है, ओके, इसके डिटेल्स को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इन शॉर्ट पीएम श्री सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। ऑब्जेक्टिव क्या है? 14,500 पीएम श्री स्कूल्स को एस्टैब्लिश करना है, जो कि आपका निकल के आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट का हो, यूनियन टेरिटरी का हो, लोकल बॉडीज का हो, चाहे वो रूरल एरियाज में हो, चाहे आपकी अर्बन लोकल बॉडीज चलाता हो, जिसमें आपका केंद्रीय विद्यालय होगा, संगठन होगा, नवोदय विद्यालय समिति होगी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इन फ्यूचर में इसको एक ऐसा स्कूल बनाना है जहां पे बच्चे फ्रेंडली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन को लें, साथ ही साथ अपने को एजुकेट करें, मेंटली एजुकेशन भी जरूरी है, प्लस उनके जो फिजिकल एजुकेशन है उस पे भी फोकस किया जाएगा, फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होगा, किस तरह के स्पोर्ट्स होंगे, ये सारी चीजों को। हाँ, फिर इन फ्यूचरिस्टिक आपको कह सकते हैं कि पूरा स्कूल का प्लानिंग करना है कि जिसमें उसमें बच्चों को स्कूल लेवल पे लैब हो, स्पोर्ट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हो, कई तरह के आपके कह सकते हैं कि स्टडी से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके उस पर काम हो सके। तो बच्चे उसको सिर्फ एजुकेशन को एक एजुकेशन ना समझ के करे, एक कह सकते हैं कि उनके लाइफ का एक गेम चेंजिंग हो सकता है, जिसमें एजुकेशन के साथ उनके फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा। जब ये स्कूल आपका पूरी तरह से बन जाएगा, इसका टाइमिंग भी है, तो फिर ये आपकी सेंट्रल नहीं स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको इन फ्यूचर वही कंटिन्यू करे और वही उसको संभाले। चलिए आगे देखते हैं। The school aims to create an inclusive and welcoming atmosphere होना चाहिए हर बच्चे के लिए, ensuring their well-being and providing a secure and enriching learning environment provide करना है कि बच्चा, जैसे अभी देख सकते हैं कि भारत के कुछ राज्य हैं, for example जो स्पेशली नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स हैं, हम किसी स्टेट का पर्टिकुलर नाम मेंशन नहीं करें, लेकिन हाँ आपने रिपोर्ट्स, न्यूज रिपोर्ट्स देखी होंगी, इवन की गवर्नमेंट के भी रिपोर्ट्स में आता है कि नॉर्दर्न इंडिया के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बेसिक लेवल का भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके स्कूल्स हैं, ना तो वहाँ का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही वहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो टीचर्स का सिलेक्शन होता है वो आई डोंट नो, पता नहीं किस तरीके से होता है कि कभी कभी बच्चों को टीचर ये भी नहीं समझा पाती कि डिफरेंस क्या है, किसी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर में क्या डिफरेंस होता है, एक बेसिक कह सकते हैं ग्रामर का डेफिनेशन भी डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये जो बैरियर्स है, ये जो कह सकते हैं कि ये जो पूरा आपका कह सकते हैं नेगेटिविटी एनवायरनमेंट है, इसको पूरी तरह से रिमूव करना है। एक ऐसा स्कूल बनाना है जिसमें बच्चे अपने आप को अच्छी तरह पढ़ सके और फिजिकल भी अपने आप को डेवलप कर सके। हाँ, देन आगे देखते हैं। The goal is to offer a diverse range of learning experience देना है बच्चों को and ensure access to good physical infrastructure and appropriate resources for all students। ऐसा स्कूल बनाना कि वहाँ पे रिसोर्सेज की कोई कमी ना हो एंड बच्चा जो है अच्छे से पढ़ाई करे एंड जो भी उसका अपना गोल है उसको वो स्कूल से ही इंस्पायर्ड हो, स्कूल के ही एजुकेशन से इंस्पायर्ड हो कि हाँ उसे फ्यूचर में ये चीज करना है। The overarching purpose of PM Shri School is to nurture student in manner that transform. The overarching purpose of school is to nurture student. ये दो बार यहाँ पे print हो चुका है, sorry. In a manner that transform them into engaged, productive and contributing citizens बनाना है, जैसा मैंने आपको पहले mention किया है. This align with the vision of National Education Policy जो हमारा 2020 में नया जो शिक्षा का कह सकते हैं जो आपका न्यू हमारा एजुकेशन पॉलिसी है उसके साथ अलाइन होना है. उसी के साथ ही जो उसमें इम्पोर्टेंट कह सकते हैं प्रोविजंस दिए गए हैं एजुकेशन को लेके उसको इम्प्लीमेंट करना है इस प्रधानमंत्री स्कूल राइजिंग इंडिया के तहत. एंड स्ट्राइव टू बिल्ड अ सोसाइटी कैरेक्टराइज्ड बाय इक्वलिटी, इंक्लूसिविटी एंड प्लुरलिज्म विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ठीक, चलिए आगे देखते हैं. This school aims to create an inclusive and welcoming atmosphere for every student, ensuring their well-being as well as secure and enriching learning environment बनाना है. Features of Prime Minister प्रधान मंत्री स्कूल्स राइजिंग इंडिया का क्या है, तो देखिए फीचर है. फीचर का मतलब जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, प्रोविजंस है, क्या है. जैसे मैंने आपको बताया कि इस योजना ये प्लानिंग के तहत, ये प्रोग्राम के तहत जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरीज हैं और रूरल एरियाज के आपके लोकल बॉडीज हैं और अर्बन एरियाज के हैं, वो उनमें से इन स्कूलों को चूज किया जाएगा, एस्टैब्लिश किया जाएगा. और जब ये प्रॉपर तरीके से ये आपका पीएम श्री स्कूल बन जाएगा तो ये आपके स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि फ्यूचर में वो उसको चलाए. हाँ, अब इसकी टाइमिंग क्या है, तो 2022-23 से लेके 2026-27 तक पूरी तरह से इसको प्रॉपर अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर देना है इस प्रोग्राम को और इसके तहत पीएम श्री स्कूल को एस्टैब्लिश करना है. This schools will not only focus on enhancing cognitive development but also creating holistic and well-rounded individual equipped with the 21st century के skills है. अब चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं डिफरेंस क्या है भारत की बेसिक स्कूल्स और फॉरेन की बेसिक स्कूल्स. कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, चाइना को ले लेते हैं. मैंने एक वीडियो में यूट्यूब पे देखा था वहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, तो जो बेसिक स्कूल्स हैं वहाँ पे बच्चों को क्लास 1st 2nd के बच्चों को रजाई सिलना सिखाया जाता है, फ्लावर कैसे उगाते हैं, पेड़ पौधे कैसे लगाते हैं, प्लांटिंग कैसे की जाती है, अपनी प्लेग्राउंड को किस तरह क्लीन किया जाता है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं. लेकिन आप इंडिया के स्कूल्स में देखोगे कि ऐसा कोई स्किल नहीं सिखाया जाता. फिर जब वहाँ पे बच्चे बड़े होते हैं तो कोई बच्चा प्ले में जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा गेम्स में जाता है, आपका कह सकते हैं बास्केटबॉल खेलता है, तो वो उसको एक कह सकते हैं कि एक अपने करियर के जैसे देखता है. लेकिन यहाँ पे इंडिया में ऐसा कोई स्कोप अभी स्कूल के तरीके से तो नहीं मिलता. इवन कि स्कूल्स में पूछा जाता है कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं और घर वाले पूछते हैं कि स्कूल में कुछ सिखाया नहीं जाता. तो ये डिफरेंसेस है. तो यहाँ पे ऐसा स्कूल एस्टैब्लिश करना है कि बच्चे को स्कूल के ही टाइमिंग में ये समझ में आ जाना चाहिए कि इन फ्यूचर वो जो अपने स्कूल से जो स्टडी ले रहा है, हाँ, तो क्या उसके फ्यूचर के लिए ये ठीक है, क्या इसमें ये करियर बना सकता है. तो ये ऐसे माइंडसेट को यहाँ पे मोटो है सरकार के द्वारा कि हम एस्टैब्लिश कर सके. और देखिए जब ऐसे स्कूल को एस्टैब्लिश करना है तो हमें एजुकेशन में जो सिलेक्शन प्रोसेस है टीचर्स का उसको भी माइंड में अपने रजिस्टर करना होगा कि किस तरह कैसे टीचर्स को हम भर्ती कर रहे हैं अपने स्कूल्स में. क्योंकि देखिए किसी भी देश का जो फ्यूचर होता है वो ऑब्वियसली वहाँ के बच्चों के हाथ में होता है. वही तो आगे बढ़ेंगे, बड़े होंगे, वही सिटीजन बनेंगे आपके एक, और वही तो देश चलाएंगे. हाँ, तो ये एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इन शॉर्ट पीएम श्री. और ये चलेगा और ये कह सकते हैं कि ये जो फ्यूचर में है इससे कहा जा रहा है कि 20 लाख बच्चे इससे प्रॉफिट लेंगे. और ये जो आपका पूरा प्रोजेक्ट है मैंने बताया कि 5 साल का है, जिसमें आपका कुल जो पैसा लगेगा वो है 27,360 करोड़, जिसमें आपका जो सेंटर का हिस्सा है वो है 18,128 करोड़ रुपए का. आगे देखते हैं, वो आगे मेंशन होगा इसमें. फिर इसमें है स्कूल में एक्सपेरिमेंटल होलिस्टिक इंटीग्रेटेड प्ले टॉय बेस्ड आपके कह सकते हैं एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, पर्टिकुलरली इन द फाउंडेशनल ईयर्स. इंक्वायरी ड्रिवन होगा बच्चे. मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं छोटी थी तो अपने टीचर से क्वेश्चंस करती थी तो एक दो क्वेश्चन का तो जवाब मिल जाता था, लेकिन जब दो तीन क्वेश्चन करते थे ये कैसे है, क्यों है, कब हुआ, तो टीचर्स का जो नेचर होता था वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाता था, इवन कि वो बच्चों को मार भी देती थी। तो एक तरह से ये आपके अंदर फियर बैठ जाता था कि टीचर से क्यों पूछे कि हाँ, तो एक फ्रेंडली वाला नेचर तो नहीं था। लेकिन यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि हम ऐसे स्कूल को एस्टैब्लिश करें जहाँ टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन है वो फ्रेंडली हो। बच्चा कुछ पूछे तो टीचर उसको पोलाइटली, उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करे। डिस्कवरी ओरिएंटेड, लर्न सेंटर, डिस्कशन बेस्ड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल एंड एंजॉयबल। स्टडी को बच्चा ये ना समझे कि ये एक बर्डन है, उसको ऐसा बनाने की कोशिश किया जाए कि उसको पढ़ाई में एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, एंजॉय करे वो उस चीज को लेकर। The schools will be upgraded with labs होंगे, libraries होंगी, art rooms होंगे। They will be art rooms का मतलब जिसमें आपके music instruments भी होंगे, बच्चा music भी सीख सकता है, हाँ पेंटिंग्स भी सीख सकता है। दे विल बी डेवलप एज ग्रीन स्कूल विथ वाटर कंजर्वेशन भी होगा, वेस्ट रिसाइकलिंग भी सिखाया जाएगा, एनर्जी सिखाया भी जाएगा और जो स्कूल एडमिन होगा वो भी इसको करेगा। एनर्जी इफिशियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिक लाइफ स्टाइल एज पार्ट ऑफ द करिकुलम। द फोकस विल बी ऑन द लर्निंग आउटकम्स ऑफ एवरी चाइल्ड इन एवरी ग्रेड। Assessment at all level will be based on conceptual understanding पे होगा and application of knowledge to real time situation पे होगा, will be competency based होगा। स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क भी होगा जैसे कॉलेजेस का किया जाता है, is being developed, specifying the key performance indicators to measure outcomes इसमें include किए जाएंगे। Quality इवैल्यूएशन ऑफ दिस स्कूल एट रेगुलर इंटरवल्स पे होंगे कि क्या आपका क्वालिटी मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं, ये सारी चीजों को इसमें देखा जाएगा। बच्चा क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह के आपके टीचर्स बच्चों का कह सकते हैं रिलेशन है, हाँ ये सारी चीजों का असेसमेंट भी होगा। इंटरवल्स विल बी अंडरटेकन टू इंश्योर द डिजायर स्टैंडर्ड्स। द ड्यूरेशन ऑफ दिस स्कीम जो है स्टार्ट होगा 2022, 2022 23 से लेके 26-27 तक रहेगा। आफ्टर विच इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी टू कंटिन्यू और टू मेंटेन द बेंचमार्क अचीव बाय दिस स्कूल्स। दिस स्कूल एम टू क्रिएट एन इंक्लूसिव एंड वेलकमिंग। टोटल कॉस्ट क्या है प्रोजेक्ट का, जैसे मैंने बताया 27,360 करोड़ होगा 5 साल के लिए, जिसमें आपका सेंटर का शेयर है 18,128 करोड़। सिलेक्शन कैसे होगा, थ्रू चैलेंज मोड पे, वेयर इन स्कूल्स कम्पीट फॉर सपोर्ट टू बिकम एग्जाम्पल बनना है यहाँ पे, एक अच्छा एग्जाम्पल कि उससे सिर्फ वहाँ के ही कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सिटी का ही स्कूल उसको ना फॉलो करे, बल्कि ये एग्जाम्पल होगी जो हमारे स्पेशली रूरल एरियाज में देख लीजिए नॉर्दर्न इंडिया के क्या हाल है अभी एजुकेशन सिस्टम का, तो वहाँ पे इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाए और जो ये स्कूल होगा उससे और स्कूल इंस्पायर्ड होंगे। तो बच्चे को क्या लगेगा कि स्कूल जाना जो है एक बर्डन नहीं है, एक इंजॉयबल है, एक ऐसा टाइम है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे अपने माइंड को डेवलप कर सके, क्वेश्चन कर सके, हाँ अपने लिए एक विजन क्रिएट कर सके। तो ये तो रहा पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। होप आपको ये प्रोग्राम का पूरा डिटेल समझ में आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।